हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंपी। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। आज हम संस्कृत रुचिरा भाग एक और क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 11 को रीड करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 क्या है, देखिए, एकादश पाठ है। एकादश मतलब ग्यारहवां, पाठ है मींस पाठ, 11th चैप्टर। क्या नाम है उसका? पुष्पोत्सव है। पुष्पोत्सव का मतलब क्या है? पुष्प प्लस उत्सव है, मतलब फूलों का उत्सव या फिर फूलों का त्योहार। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे? फ्लावर फेस्टिवल। इस पाठ में पुष्पों के उत्सव, फूलों वालों की सैर का वर्णन किया गया है। यह त्योहार कब मनाया जाता है? दिल्ली में अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। फूलों से बने पंखे इस त्योहार का मुख्य आकर्षण होते हैं। यह उत्सव क्या दिल्ली में जो मनाया जा रहा है वो पिछले 200 सालों से मनाया जा रहा है। और इस पाठ के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? में और पर के अर्थ में किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ क्या होगा? में या फिर पर। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। ये क्या है, देखिए, उत्सव प्रिय भारत देश है। उत्सव प्रिय मतलब त्योहार से प्रेमी भारत देश। भारत देश त्योहार प्रेमी देश है, या फिर भारत देश, भारत एक उत्सव प्रिय देश है। अत्र कुत्रचित शस्यो उपोत्सव भवति, कुत्रचित पशुत्सव भवति, कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, कुत्रचित च यानोत्सव। इसका क्या अर्थ है? देखिए, अत्र मतलब यहाँ, कुत्रचित कहीं पर, शस्योत्सव फसलों का उत्सव होता है, भवती मतलब होता है, कुत्रचित कहीं पर, पशुत्सव है मतलब पशुओं का उत्सव, भवती मतलब होता है, कुत्रचित कहीं पर, धार्मिकोत्सव धर्म का उत्सव होता है, धर्म का उत्सव मतलब धार्मिक उत्सव, भवती मतलब होता है, कुत्रचित कहीं पर, चय लगाए तो और कहीं पर, यानोत्सव, यानव उत्सव मतलब गाड़ियों का उत्सव होता है। गाड़ियों को हम क्या बोलते हैं? वाहन। तो वाहनों का भी उत्सव होता है। तो अब इसको हम पूरी लाइन को क्या पढ़ेंगे, देखिए, यहाँ पर कहीं फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है, और कहीं पर वाहनों का उत्सव होता है। अतेषु एव, इनमें से ही, अस्ति है, अन्यंतम है, अन्यंत मतलब दूसरा, ठीक है, अन्य, पुष्पोत्सव मतलब पुष्पों का उत्सव इति ही है, ठीक है। इसका क्या अर्थ है? इनमें से एक है पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। जैसे ये कई फेस्टिवल मनाए जाते हैं, भारत क्या है, त्योहारों का देश है, तो इस टाइप के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो उसमें एक फेस्टिवल क्या है? फूलों का त्योहार भी मनाया जाता है। अयम यह, फूलों वालों की सैर, फूलों वालों की सैर, इति इस नामना नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध, अस्ति है, यह फूलों वालों की सैर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज देहलिया मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहली मतलब दिल्ली, मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास, अक्टूबर के महीने में, अस्य मतलब इसका, आयोजन मतलब आयोजन, भवती मतलब होता है, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। ये जो फूल वालों की सैर का फेस्टिवल है वो कब मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है और मेहरौली क्षेत्र में मनाया जाता है। अस्मिन अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पानि दर्शन्ते। अस्मिन मतलब इस, अवसरे अवसर पर, तत्र मतलब वहाँ, बहुविधानी अनेक प्रकार के पुष्पानी फूल, दर्शन्ते मतलब दिखते हैं, क्या होगा? इस अवसर पर वहाँ बहुत मतलब अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मतानी व्यजनानी। परम मतलब परंतु, ठीक है, प्रमुख मतलब मुख्य, आकर्षण मतलब आकर्षण, तू अस्ति होता है पुष्प निर्मितानी पुष्पों से बने हुए व्यंजनानी पंखे। तो इसका अर्थ क्या होगा, देखिए, इसमें
किंतु मुख्य आकर्षण होता है फूलों से बने पंखे। ये जो फेस्टिवल होता है फूलों का त्योहार, इसमें जो मेन अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, फूलों से बने हुए पंखे। फूलों से पंखे बने होते हैं और वो वहां पर क्या हो रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। जना एतानी पुष्प व्यजनानी योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्से समाधि स्थले च अर्पयंती। क्या होगा इसका मतलब, जना मीन्स लोग, एतानी इन, पुष्प व्यजानी फूलों से बने पंखे, योग माया मंदिर, योग माया मंदिर नाम से, बख्तियार काकी और बख्तियार काकी इससे समाधि स्थले और उसकी समाधि स्थल पर इसे अर्पयंती मतलब अर्पित करते हैं, मीन्स चढ़ाते हैं। तो इसका फुल अर्थ क्या हुआ, देखिए, लोग इन फूलों से बने हुए जो पंखे होते हैं उसको योग माया मंदिर में बख्तियार काकी और उसकी समाधि पर अर्पण करते हैं। केचन पाटल पुष्पे निर्मितानी, केचन कर्णिका पुष्पे, अन्य जपा कुसमे, अपरे मल्लिका पुष्पे, इतरे च गेंदा पुष्पे, निर्मितानी व्यजनानी नयंती। अब इसका अर्थ क्या, देखो, केचन, केचन मतलब कुछ, पाटल पुष्पे मतलब गुलाब के फूलों से, निर्मितानी बने हुए, केचन कुछ, कर्णिका पुष्पे मीन्स कनेर के फूलों से, अन्य जपा कुसुमे कुछ जवा फूलों से, अपरे कुछ मल्लिका पुष्पे, मल्लिका मतलब चमेली के फूलों से, इतरे च और क्या होगा, कुछ दूसरे जो हैं गेंदा पुष्पे, गेंदा मतलब गेंदा फूलों से, निर्मितानी बने हुए व्यजनानी नयंती पंखे लाते हैं। जो लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं वो क्या करते हैं, मतलब अलग अलग फूलों से बने हुए पंखों को लेके आते हैं और जिसको जैसा पंखा पसंद आता है जिस फूल का, वो लोग उस पंखे को खरीद लेते हैं। तो इसको आप फुल फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखो, केचन कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, कुछ जवाकू के फूलों से, कुछ चमेली के फूलों से, दूसरे गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे लाते हैं। अब आगे देखिए, अयम उत्सव दीव सत्रयम यावत प्रचलति। अब अयम मतलब यह, उत्सव मतलब त्योहार, दिवस त्रयम, दिवस त्रय मतलब तीन दिवस, मतलब तीन दिन, यावत तक, प्रचलिति मतलब चलता रहता है, यह उत्सव तीन दिन तक चलता रहता है। ये जो फ्लावर शो लगता है ये क्या, कितने दिन तक चलता है, थ्री डेज तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीडा मल्ल्य युद्धम चापी प्रचलति। एतेषु मतलब इन दिनों में, एतेषु इन दिवसेषु मतलब दिनों में, पतंगानाम मतलब पतंगों को, उड्डयनम उड़ाना, विविध क्रीडा मतलब अलग अलग खेल, मल्ल्यम मल्ल्य युद्धम मतलब कुश्ती, चापी और भी प्रचलति चलती है। क्या अर्थ होगा, देखो, इसमें इन दिनों में पतंगों को उड़ाना, अलग अलग खेल और कुश्ती भी चलती है। विगते भय द्विशत वर्षे भय पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। मतलब विगते भय मतलब पिछले दिश तव वर्षीय मीन्स इसका क्या होगा, 200 साल से, पुष्पोत्सव पुष्पों का उत्सव, जनान लोगों को आनंदयति आनंदित कर रहा है, मीन्स क्या है, पिछले 200 सालों से ये जो पुष्पों का उत्सव है वो लोगों को खुश कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगित आसीत, मध्य मतलब बीच में, इयम मतलब यह है, परंपरा परंपरा, स्थगिता मतलब रोक है ना, आसीत हो गई थी, स्थगित हो गई थी मतलब रोक दी गई थी, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारबधा। मीन्स के परम मीन्स परंतु, स्वतंत्रता प्राप्ते स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद इयम यह मनोहारिणी मतलब मन को हरने वाली परंपरा मतलब ये जो परंपरा है पुनः मतलब दोबारा
स्मार बधा मतलब शुरू हो गई। क्या होगा इसका अर्थ? किंतु स्वतंत्रता के पश्चात यह मनोहारी परंपरा फिर से स्टार्ट हो गई। ओके, अब पुष्पोत्सव अध्यापी सोलासम सो साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव मतलब पुष्प उत्सव, अध्यापी मतलब आज भी, सो उल्लासम मतलब उत्साह पूर्वक और उल्लास के साथ, प्रचलति मतलब प्रचलित है, चल रही है। यह जो पुष्पों का उत्सव है आज भी उल्लास मतलब खुशी और उत्साह के साथ चल रही है। तो ये हुआ हमारे चैप्टर नंबर 11 का अनुवाद, हिंदी में ट्रांसलेशन। आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, तो आप इसे एक बार और पढ़ लेंगे तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।